बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नश्तर बार भी मौजूद। रात के तकरीबन 3 से 4 बजने वाले। मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से जो वॉलंटियरली काम करना चाहते थे और हमसे बार बार कहते थे कि हम वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, हमें जज्बा है, आए नश्तर पार्क में पहुंचे हैं। आप लोग कल दिन से इंशाल्लाह 2 बजे के बाद से यहाँ पर डेली हमने कोशिश करनी है जितने ज्यादा से ज्यादा बोरे पैक कर सकते हैं हमने करने। पहले मरहले में हम नश्तर पार्क से पैक करेंगे 25,000 बोरे राशन, ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले के अंदर हमने रेडी फूड यहाँ से भेजा है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ हमारे पास रेडी फूड आ रहा था वो रवाना किया है। उसके अलावा हमारे पास हमने जो हमारे किचन लगे हुए थे मुख्तलिफ जगहों पर, जिसके अंदर पाकिस्तान क्लब और दीगर जगहों पर हमारे पका हुआ खाना भेज रहे हैं, वो अब भी जारी है और वो चलता रहेगा। और जो ट्रकों की रवानगी का सिलसिला है, बिस्किट दूध जूस, वो भी चलता रहेगा। लेकिन दूसरे मरहले का मतलब ये है कि अब जो ये राशन है ये पैक करना है। जो लोग खैमों में, स्कूलों में, मुख्तलिफ जगहों में शिफ्ट हो गए, उसकी तैयारी का सिलसिला शुरू हो रहा है पहले मरहले के। अब जो राशन पैक होंगे दूसरे मरहले में, इसमें हमें एडी मलिक साहब जो हैं अदील रियल एस्टेट के, वो बहरिया टाउन वाले, उसके अलावा शाहिद कुरैशी साहब जो हैं वो बहरिया टाउन के कंट्री हेड, वो और JDC मिलकर करेगी। अभी हम किसी से डोनेशन पहले वाले राशन में इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया उसकी मदद से सब कुछ करेंगे। उसके बाद आप सबको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपरेशन जाएगा, मैं समझता हूं अगर आपने सपोर्ट किया 25 लाख बोरे तक ले जाएंगे इसको। हमने कोविड में भी आपके सामने बड़ा खुल के काम किया था। लेकिन मैं फिर बता दूं, एक दफा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुझे अभी आधे घंटे पहले खबर दी है DIG साहब ने, मकसूद मेमन साहब ने, कि जो कल हमारे सारे ट्रकों का कारवां यहां निकला था, यहां से जितने भी ट्रक थे वो सारे ट्रक अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। और जहां जहां पहुंचे हैं, जहां इंटरनेट है उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं, जहां नहीं है उसकी तस्वीरें आती रहेंगी, लोड होती रहेंगी पेज पे। एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा मकसूद मेमन साहब का, उनकी तमाम मोबाइलें, तमाम पुलिस एहलकारों का, जिन्होंने बेचारों ने 48 घंटे तक इस ऑपरेशन में काम किया और एक एक गांव देहात तक पहुंचाया है राशन, और वो तस्वीरें सब पेज पर लोड हो रही है। उन लोगों को भी खबर दे देता हूं, कल मकसूद मेमन साहब की भी वीडियो आपको भेज दूंगा, दिखा दूंगा कि जिनको बहुत परेशानी थी कि राशन के ट्रक कहां गए, या कुछ लोग मजबूत भी पहलू में पूछ रहे थे, तो उनको बता दूं तमाम ट्रक जितने भी ट्रक थे वो सब पुलिस के DIG, SSU के स्पेशल जो फोर्स है पुलिस की, उनके DIG उनकी निगरानी में, उनकी पुलिस खुद लेकर गई अपने हाथ से, एक एक शहर में, एक एक दही इलाके में सैलाब मुतासिर पहुंचाया सिंध बलूचिस्तान में। एक बार फिर सर आपका शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग भी निगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको करने में जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमने कोविड में भी देखा था कि हमारा कोई भी मजबूत काम अगर आप करते हैं उसको रोकने के लिए निगेटिव कुवतें एक्टिव हो जाती हैं, वो किसी भी लिवादे में हो सकती हैं। और जो लोग किसी भी किस्म का हमारे साथ ताउन करना चाह रहे हैं हमारे साथ शामिल हो जाए। अभी ऑपरेशन शुरू हो रहा है, सारी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देख लें, लाइटिंग लगना शुरू हो गई है, ट्रकों में सामान आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर अभी आटा उतरना शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह ये सारे मनाजिर आप कल दिन तक देखेंगे। कहाँ पहुंचेंगे इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, मैं आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बहुत शुक्रिया।